हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवी दासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाजर का हलवा, जिसे गज्जर का हलवा या गजरेला के रूप में भी जाना जाता है, एक पारंपरिक उत्तर भारतीय मिठाई है। अभी जो सर्दी की ऋतु चल रही है, और सर्दियों की ऋतु में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ गाजर का हलवा न बनता हो। और ठंडी की मौसम शुरू होते ही मौसम में बनने वाले जो खान पान हैं वह ठाकुर जी के लिए अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। इसे आप कोई भी हाउस प्रोग्राम में या फंक्शन में या किसी भी त्यौहार पर बना भी सकते हैं। इसे ठंडा या गर्म दोनों ही तरीके से सर्व किया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए है 2 किलो गाजर। इसे दिल्ली के गाजर भी कहा जाता है। यह सर्दियों की ऋतु में ही खास मिलते हैं और इससे गाजर का हलवा बनता है। अगर आपके पास यह गाजर नहीं है तो रेगुलर गाजर यूज़ कर सकते हैं। गाजर के सभी छिलके निकाल देंगे, हम पील कर देंगे। सारे गाजर इसी तरह पील कर देना है। गाजर को पील करके पूरा हमने साफ कर दिया है पानी से। अब यहाँ पर एक ग्रेटर ले लेंगे और गाजर को हमें कद्दूकस करना है। और इस गाजर में अंदर का एक पीला पार्ट आता है, वह हमें नहीं यूज़ करना है हलवा के लिए, वह अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप रेगुलर गाजर यूज़ कर रहे हैं तो वो हम पूरा ही कद्दूकस कर सकते हैं, बट इसमें यह जो बीच का जो पार्ट है इस तरह से हम निकाल देंगे बाद में। कद्दूकस करने से पहले गाजर का जो वजन था वह 2 किलो था, अभी इसका वेट है 1.2 kg और 8 कप। अब एक हैवी बॉटम पैन लेना है और उसमें 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून जितना घी गरम करेंगे। आंच को धीमी रखना है और कद्दूकस किए हुए गाजर डालेंगे। सब कुछ मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें धीमी आंच पर 9 से 10 मिनट के लिए कुक करना है। बीच बीच में चलाते रहना है। 10 मिनट हो गई है, आप देख सकते हैं गाजर जो है वह अच्छे से सौते हो गए हैं घी में, और गाजर की जो क्वांटिटी थी वह भी थोड़ी सी कम हो गई है। अब इसमें 2 कप यानी कि 500 ml जितना दूध डालेंगे। और अब इस दूध में हमें गाजर को कुक करना है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। इसे कुक होने में आधा घंटा हो जाएगा, मगर अगर आप वहाँ ही खड़े रहेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे तो मीडियम आंच पर आप इसे 15 से 20 मिनट में कुक कर सकते हैं। यहाँ पर 20 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं दूध जो है वो काफ़ी कम हो गया है। थोड़ी ही मात्रा में दूध है इसमें और गाजर भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप जितनी चीनी। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी भी जो है वह अपना पानी छोड़ेगी। तो अभी हम धीमी आंच पर इसे चलाते रहना है, तो दूध और पानी जो है वह पूरा उसमें कंडेंस हो जाना चाहिए। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट हमने उसके मेजरमेंट्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। 10 मिनट हो चुकी है, अब यहां पर ग्रेट किया हुआ खोआ डालेंगे, 200 ग्राम लिया है। धीमी आंच पर हमें इसे मिक्स करना है। यहाँ पर आप रेडीमेड खोआ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मिल्क पाउडर है घर पर तो मिल्क पाउडर से भी खोआ बना सकते हैं। मिल्क पाउडर से खोया कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब इस हलवा को हमें लगातार चलाते रहना है। इसमें बिल्कुल भी पानी या दूध का पार्ट नहीं रहना चाहिए। तो इसे बनने में करीबन
8 से 9 मिनट लग जाएगी। 10 मिनट के बाद एक टेबलस्पून जितना घी डालेंगे, एक चम्मच इलायची का पाउडर और दो बड़े चम्मच बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेंगे। हलवा बनने में करीबन 45 मिनट्स हो गई है, 45 मिनट लग गई है और आप देख सकते हैं अभी इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे। तुलसी पत्र रखकर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अगर आपको बोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि बोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।